झेला नहीं है, भोगा नहीं है। इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी चीज अगर रही है सनातन काल से, तो वह हिंदुस्तान की जाति प्रथा। उस जाति प्रथा के कारण क्या क्या नहीं भोगा हमने और क्या नहीं भोगते हैं। अभी अभी चुनाव हो रहा था, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कह रहा था, मेरे दुकान, मेरे ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा देते हैं, फुटपाथ पर जाओ चाय की दुकान के लिए दुकान दे देते हैं, और कुछ कहने के लिए नहीं मिलता है लोगों को, नहीं मिलता है क्या? क्यों उपहास करते हो? मैं लोकसभा में हूं, अगर कोई कहे शरद यादव गए थे चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में, लोकदल से नारा लगा था शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेके भैंस चढ़ाओ। कर्पूरी ठाकुर जैसा नाई का बेटा गरीब, जिसके नेतृत्व में बिहार में इतना परिवर्तन किया, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना, 27% आरक्षण दिया, हाई स्कूल तक फीस माफ किया, मिडिल स्कूल तक फीस माफ किया, 5 एकड़ से मलगुजारी माफ किया, और कर्पूरी ठाकुर के लिए नारा लगा था, कर्पूरी ठाकुर दिल्ली जाओ छुरा लेके सैलून खोलो। क्या क्या नहीं सहा हूं, क्या क्या नहीं देखा हूं। इसलिए दिल के अंदर वो दर्द और पीड़ा है क्या, आखिर कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने अपराध किया था कि उसमें जन्म लिया? किसी ने भगवान के यहां दरखास्त दिया था कि मुझको तेली बना दो, मुझको लोहार बना दो, मुझको कुर्मी बना दो, मुझको कहार बना दो, मुझको अहिर बना दो, मुझको कलवार बना दो? कोई दरखास्त देके तो नहीं आया? आज वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे दूंगा, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने बजट में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हिंदुस्तान के जाति प्रथा के बंधन को ढीला करने का अवसर मिलेगा। जब उनके आर्थिक चेतना बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, कब? जब गांव में पैसा जाएगा तब, गरीब के हाथ में रोजगार जाएगा तब, उनकी आर्थिक उन्नति होगी तब, तब कहीं जाकर उनके जीवन में विकास होगा। आपने सोचा कि गांव का विकास कैसे होगा? क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना कोई मामूली है? खर्च पर पाबंदी लगाते हुए डॉक्टर लोहिया ने इसी लोकसभा में बहस करते हुए पंडित नेहरू से कहा था, मैं कुछ नहीं चाहता, ये काम कर दो, सारे लोगों के, बड़े लोगों के खर्च पर सीमा लगा दो, आय पर, आमदनी पर नहीं, खर्च पर सीमा लगाओ, इससे अधिक खर्च नहीं करेगा, और उससे जो पैसा बने उसके एक सिंचाई योजना बनाओ और 20 साल का बॉन्ड बनाओ। मैं कुछ नहीं कहता, केवल हिंदुस्तान के हर खेत में पानी पहुंचा दो, हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया इसी सदन में कहे थे, वो तो अग्रवाल थे, बनिया थे, उनको क्या जरूरी थी इस बात को बोलने का, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के गरीब, निर्धन, निर्बल और पिछड़ों का इस युग में अगर एकमात्र राजनीतिक मसीहा पैदा कोई लिया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने जगाया, नेतृत्व को पैदा किया गांव के गली से। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना से हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा, 1 बीघा खेत और 1 गाय, अपनी खेती अपनी राय, हम तो ये लड़ते आ रहे हैं, आ रहा जो सपना साकार हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सवाल है दृष्टि का, दिशा का और संकल्प का। आपकी दृष्टि कुछ और थी, अब दृष्टि बदली है। हिंदुस्तान के गांव के गरीब, पिछड़े, दलितों ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से द्वारका धाम तक, इस आसान मान के साथ, आपके आपके शब्दों में, जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है। हो जाएगा क्या? ये 9 महीना में हो जाएगा? आप नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या?
कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संभलो, अभी भी आप संभलिए, प्लीज प्लीज, अभी भी आप संभलिए। आप बजट को क्या समझते हो? आप बसी रहिए। मैं वीरप्पा मोइली साहब नहीं हूँ, वीरप्पा मोइली साहब आंकड़े बता रहे थे, मैं उन आंकड़ों का जवाब दे रहा हूँ। क्या आपने इतने दिन ये आंकड़े अब हमको पढ़ा रहे हैं? आपने क्या आंकड़े पढ़े थे? आपने आंकड़े पढ़े? 1951 में किसान थे 71.9%, 2011 आपका राज घट के हो गए 45.10 पॉइंट, 26.08 पॉइंट किसान गायब हो गए।